हर हर शंकर, जय जय शंकर। महाकाल मंदिर में खुदाई के दौरान मिली 9वीं सदी की विशाल शिवलिंग और विष्णु जी की मूर्ति। शिवलिंग को सबसे पहले मजदूरों ने देखा, फिर इसकी जानकारी मंदिर समिति को दी गई। मंदिर समिति द्वारा पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया। 11 अगस्त 2021 की सुबह पुरातत्व विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि जलाधारी शिवलिंग 9वीं से 10वीं शताब्दी के समय का है और भगवान विष्णु की मूर्ति भी 10वीं शताब्दी की ही है। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में शिवलिंग को निकाला गया। बता दें कि पहले भी खुदाई के दौरान शुंग काल और परमार कालीन मूर्तियां अवशेष आदि मिल चुके हैं, पर यह शिवलिंग फ्लोर से 2 फीट नीचे मिला है। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं, सबसे नीचे ब्रह्म भाग, उसके ऊपर विष्णु भाग और सबसे ऊपर शिव भाग होता है। प्राप्त शिवलिंग में शिव भाग खंडित पाया गया है, बाकी के 2 भाग सुरक्षित हैं। खुदाई कार्य के दौरान गुप्तकालीन ईंटें भी मिली हैं, जो 5वीं-6वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। पुरातत्व अधिकारी ने बताया कि प्राचीन काल में भी यहाँ शिव मंदिर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से खुदाई से शिव परिवार और भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां और अवशेष मिल रहे हैं। 10 अगस्त 2021 को शिवलिंग निकलने के बाद अगले दिन भगवान गणेश, माँ चामुंडा और भगवान विष्णु की मूर्तियां भी निकली हैं। इन खंडित मूर्तियों में खास बात यह है कि सभी मूर्तियों के सिर खंडित किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सिर खंडित होने का मतलब है कि इन मूर्तियों को जानबूझकर खंडित किया गया, जो कि पुराने मुगल शासकों और अंग्रेजी आक्रांताओं की एक पहचान थी। जब पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इन अवशेषों को देखा और जांच की तो पता चला कि यह करीब 1100 साल पुराने हैं। उस वक्त परमार वंश का शासन हुआ करता था। इतिहास में यह जानकारी दर्ज है कि इल्तुतमिश नाम के एक शासक ने महाकाल मंदिर पर आक्रमण करके इसे 12वीं शताब्दी में छिन्न भिन्न किया था। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि उसी दौरान इस मंदिर को भी खंडित किया गया। इसके अलावा इंजीनियर्स को मंदिर की दक्षिण दिशा में एक दीवार दिखी, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह कितनी पुरानी है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह दीवार करीब 2100 साल पुरानी है, यानी राजा विक्रमादित्य के शासन के समय इस दीवार का निर्माण किया गया था। इस दीवार पर बेमिसाल स्थापत्य कला के चिन्ह मिलते हैं। यह कहा जाता है कि कणकण में भगवान हैं और महाकाल की नगरी में कणकण में शिव हैं। भगवान महाकाल शताब्दियों पहले भी काफी पूजे जाते थे। इसका उदाहरण स्थापत्य कला में मिला, जब दीवार के खंभों पर भगवान शिव के त्रिशूल के चिन्ह मिले। यह इतिहास की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक 2100 साल पुराने अवशेष ना कभी देखे थे और ना सुने थे। दक्षिण दिशा में सीता माता के मंदिर के पास इस तरह के अवशेष मिल रहे हैं और आगे उम्मीद है कि इतिहास के और पन्ने खुलेंगे। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। जय महाकाल।